वेलकम स्टूडेंट, दिस इज गोपी सन। तो आज हम एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। वो क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3.5 और 7.9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो ऐसी कंडीशन क्या करेंगे, हमारे दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु ए 3.5 और दूसरा बिंदु बी 7.9। इसको मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड क्या हो गया, एबी को 2:3 के अनुपात में एक ऐसा बिंदु लेना, एक ऐसा बिंदु हमने यहां ले लिया, लेट दिस इज x, y और इधर वाले रेशियो 2, इधर वाला रेशियो 3, 2:3। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना वह बिंदु या माना अभिष्ट बिंदु, यानी तो माना वह बिंदु जो हमें ज्ञात करना है, P है, क्या माना उसकी आपने x, y के रूप में माना। तो इसमें आपके ये पहली वैल्यू किसकी है, x1 y1 की, x1 3 है, y1 कितना है 5, ये x2 y2, ये होता है देखिए x1 और y1, और दूसरी वैल्यू होती है हमेशा x2 और y2। x2 कितना है 7 और y2 कितना है 9, और m1 और m2 अनुपात कितना देता है, M1 2 है और M2 कितना है 3। तो अब कौन सा विभाजन है, अंतः विभाजन हो रहा है इसके अंदर, इसका ध्यान रखना। अंतः विभाजन सूत्र बताया था मैंने आपको, तो हम लिख देंगे अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र x का है आपके M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस m। पार्ट टेस्ट में देखना, ये अंतर विभाजन का सूत्र x और y की वैल्यू का है, बाह्य विभाजन का सूत्र है, तो ये सूत्र याद रखना है। x = m1 की वैल्यू कितनी है 2 * x3, x3 की वैल्यू कितनी है आपके, सॉरी x2 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस m2 की वैल्यू 3 * x1 की वैल्यू 3 अपॉन m1 प्लस m2 m1 2 प्लस, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू आपकी 7/2 14 प्लस 9 अपॉन 5, 14 और 9 हो गया आपके 23 अपॉन 5, ये आ गई x की वैल्यू। उसी प्रकार y की वैल्यू का फॉर्मूला भी देंगे, y का फॉर्मूला क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी 2 * y2 की वैल्यू 9 प्लस m2 की वैल्यू 3 y1 की वैल्यू 5 अपॉन m1 प्लस m2। y इक्वल टू 9 और 2 मल्टीप्लाई में 18 प्लस 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15 अपॉन 2 होती कितने भी 5, ये कितने हो गए 18 और 15 33 अपॉन 5। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, हमें वही बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं, तो x और y के हम लिख देंगे अतः अभिष्ट बिंदु, अतः अभिष्ट बिंदु P कितना आ गया, x की वैल्यू 23 अपॉन 5 और y की वैल्यू 33 अपॉन 5 होगा। अभिष्ट बिंदु ये होगा जो बिंदु इस ए से इस बी से को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करता है 2:3 के अनुपात में बांटता है। ये है कि आपको अंतर विभाजन का सूत्र याद करने की, वो दोनों और उसमें वैल्यू पुट करने के, इतना आपके हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, -2 और -1.5, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। तो वही बात है, रेखाखंड है हमारा जिसका पहले बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 5, -2 और दूसरे बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं -1/2, -4। अब देखिए इसको
मिलाने वाले एकाकरण को एक बिंदु है जो किस अनुपात में बांटता है, 7:9 नहीं। हमने मान लिया कि ये बिंदु P है जो इसको 7 और 9 के अनुपात में, तो इस बिंदु P के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। वही क्वेश्चन है, अब की बार इसमें अंतर विभाजन नहीं होकर कौन सा विभाजन है भाई, बस बिंदु से बिंदु सबसे पहले लिख देंगे माना वह बिंदु, क्या माना हमने, जो इसको 7:9 के अनुपात में बांटता है, उस बिंदु के निर्देशांक क्या लिए हमने, पी एक्स कोमा वाई माने, माना वह बिंदु पी एक्स कोमा वाई है जो बिंदु ए और बी को मिलाने वाले एकाकरण को 7:9 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। बस इस पे फोकस करना आपको, बाह्य विभाजन का है तो बाह्य विभाजन वाला फॉर्मूला लगाना है और अंतर विभाजन आए तो अंतर विभाजन वाला। इस कंडीशन में ये पहली वैल्यू किसकी हो जाएगी, x1 और y1 की, तो यहां से आपके x1 की वैल्यू कितनी है 5, y1 की -2 और x2 की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी आपके x2 और y2। x2 की वैल्यू है आपके -1.5, या इसका लिख सकते 2 × 2 = 2 और +1 कितना हो गया 3, माइनस का 3/2 कह सकते हैं इसको, -1.5 को क्या कह सकते हैं -3/2। और y2 की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 4, m1 पहला रेशियो कितना है 7 और दूसरा m2 कितना है 9, ये सारी वैल्यू आ गई। अब हम इसे लगा देंगे कौन से सूत्र से, बाह्य विभाजन सूत्र से, बाह्य विभाजन सूत्र, बाह्य विभाजन सूत्र से, बाह्य विभाजन सूत्र में x की वैल्यू क्या होता है m1 x2 - m2 x1 / m1 - m2। अभी बार माइनस उसमें प्लस था, इसमें माइनस है, यही है फॉर्मूले के अंदर। x की वैल्यू m1 कितना है, m1 7, x2 कितना आपका -3/2 लेते हैं -3/2, -m2 कितना है 9, x1 कितना है 5 / m1 7 -m2 9। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x = -7/3 = 21/2 - 9 / 45 / 7 में से 9 जाएगा माइनस का 2, ये है। तो देखिए आगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से इसके अपॉन में 1 रख देते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना था 1 और 2 का लेस है 2, 2 का भाग 2 में 1, 1 और माइनस 21 का माइनस का 21, वापस माइनस का माइनस, 1 का भाग 2 में 2 टाइम 2, 45 का मल्टीप्लाई कितना होगा 2, 45 × 90 अपॉन में क्या है माइनस का 2। तो x की वैल्यू यहां से आ गई कितनी आएगी, माइनस का 21 और माइनस का 90 कितना हो गया माइनस का 1 1 1 अपॉन 2, और ये -2 इसके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया -1 1 1 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 का भाग देंगे इसमें 4 × 2 = 8, ये बचेगा इसमें 7 × 2 = 28, वापस 3/4, ये आ गई x की वैल्यू। इसी प्रकार y वाला फॉर्मूला, y का फॉर्मूला क्या था, m1 y2 - m2 y1 / m1 - m2, y = m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू वही है आपका 7 × y2 की वैल्यू कितनी है आपके 4, -m2 की वैल्यू कितनी है 9, y1 की वैल्यू कितनी है आपके -2, ये -2 अपॉन 7 - 9, y = 7 और 4 का मल्टीप्लाई 28, माइनस और माइनस का प्लस 9 और 2 का 18 अपॉन 7 - 9 मतलब -2, y = 28 और 18 कितने हो गए 46 और बटा में -2, y = -23, इसलिए -23 है। तो x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, हम लिख देंगे आता है अभीष्ट बिंदु, आता है अभीष्ट बिंदु क्या आ गया, P माना था आपने, x कितनी आई 27 × 4 और इसकी आ गई -23 होगा, अतः अभीष्ट बिंदु 27 × 3/4 - 23 होगा, जो बिंदु इसको और इसको मिलाने वाले रेखा को किस अनुपात में बांटेगा, हमेशा ही
सात अनुपात नौ के अनुपात में क्या करेगा, बाह्य विभाजन करेगा। हालांकि बाह्य विभाजन यहाँ नहीं होता है, ये मैंने आपको सीधा बताया था, बाह्य विभाजन रेखाखंड से बाहर की तरफ होता है। पी बिंदु यहाँ लेना है आपको एक्स कोमा वाई, जिसमें आपके ये रेशियो सेवन होगा यहाँ तक का, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक का पूरा रेशियो नाइन, ऐसे बाह्य विभाजन होता है। परंतु आपको एक बार मैंने वैसे ही बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं आपको, बस इतना ही ध्यान रखना है ये x1 y1 की वैल्यू होगी, ये x2 y2 की वैल्यू होगी, और जो आपका रेशियो देता है m1 और m2 की वैल्यू होगी। बाय विभाजन से x का फार्मूला पुट कर दो और y का फार्मूला पुट कर दो, अभिष्ट बिंदु आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O है, वो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अतः विभाजित करता है, और साथ ही आपको ये प्रूव करने के बाद में निकालना है कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यदि अतः विभाजन ना होकर बाह्य विभाजन हो, जब आपकी ये रेखाखंड और ये आपका उसका विभाजन बिंदु बाह्य विभाजन हो, तो इस बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी क्या होंगे ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे, हम लिखेंगे बिंदु ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु बी मान लेंगे, और उस बिंदु बी को हम जीरो जीरो ले आएंगे, तो क्या होगा, मूल बिंदु हो जाएगा। सर उन्हें हम मान लेंगे स्टार्टिंग में कि आपका बिंदु ये ए है, आपका ए कोमा माइनस तीन, दूसरा बिंदु बी मान लेंगे माइनस तीन कोमा नौ, और चलो विभाजन बिंदु को मैं आपके कोई मान लेता हूं जिसके निर्देशांक फिलहाल x और y लेंगे हम, और हमें प्रूव करना है कि ये बिंदु आपका मूल बिंदु ही है, इसको माना उसको हमें मूल बिंदु प्रूव करना है, मतलब जीरो कोमा जीरो, x की वैल्यू भी जीरो निकालनी है, y की भी जीरो निकालनी है, जब ये क्या हो अतः विभाजन हो, तो मान ली, चलो इसमें सीधा कर लेते हैं आपके x1 y1 की वैल्यू हो गई x1 1 और y1 माइनस 3, x2 माइनस 3 और y2 9, और वापस m1 1 और m2 कितना है 3। अब देखिए उसके बाद में हम निकालेंगे अतः विभाजन सूत्र, अतः विभाजन की कंडीशन बतानी है आपको, अतः विभाजन सूत्र, अतः विभाजन सूत्र से आपके x का फॉर्मूला वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, x हमें निकाल रहे हैं। अब देखिए m1 m1 कितना है हमारा 1, और x2 कितना है आपका माइनस 3, प्लस m2 कितना है 3, और x1 कितना है 1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3, x बराबर 1 और माइनस 3 का गुणा माइनस 3, प्लस 3 और 1 का गुणा 3, 1 और 3 4, तो ये हो गया x बराबर माइनस 3 प्लस 3, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होकर 0 बटा 4, 3 में से 3 का भी 0 बचेगा, x बराबर आ गया 0। अब y का निकालेंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m1 कितना है हमारे पास 1, y2 कितना है y2 9, प्लस m2 कितना है 3, और y1 कितना है माइनस 3 बटा 1 प्लस 3 m1 प्लस 3, y बराबर 9 और 1 का गुणा 9 प्लस और माइनस का माइनस, 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 अपॉन 3 और 1 4, 9 में से 9 जाएगा 0 बटा 4, 0 किसे डिवाइड करते हैं हमें संख्या आता है 0 जाता, तो ये x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, तो जो पहले बात प्रूव करनी थी वो तो आ गई। हम लिख देंगे अतः मूल बिंदु, अतः मूल बिंदु आपके O x और y की वैल्यू क्या आती है 0,0, मूल बिंदु O 0,0 होगा, जो भी रेखाखंड AB को मिलाने वाले रेखाखंड को AB बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अतः विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र से है 0,0, तो ये बात लिख दी हम, अतः मूल बिंदु O ही मिला हो, मूल बिंदु O 0,0 बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को
किस अनुपात में विभाजित करता है? 1:3 के अनुपात में। कौन सा विभाजन? अंतः विभाजन का सूत्र क्या है? अंतः विभाजित करता है। यह आ गया। पहले ये चीज पूर्व करनी थी आपको कि मूल बिंदु को ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को जो 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है वो कौन सा बिंदु होना चाहिए? मूल बिंदु होना चाहिए। और हमने निकाल दिया कि 0.0 है, इसका मतलब कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु ही। तो पहली बात तो हमने प्रूव कर दी। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, यदि यही विभाजन अंतः विभाजन नहीं होकर यहाँ कहीं बाह्य विभाजन हो तो उस बिंदु के निर्देशांक, तो हम लिखेंगे बाह्य विभाजन होने पर। बाह्य विभाजन होने पर, बाह्य विभाजन होने पर क्या हुआ? एक्स की वैल्यू m1 x2 minus m2 x1 upon m1 minus m2 x is equal to आपके x1 y1 x2 y2 तो ये रेखा m1 m2 विभाजन यहां नहीं होगा कहां बाहर हो रहा है तो बाह्य विभाजन होगा तो x और y के वैल्यू निकालो उस बाह्य विभाजन बिंदु को मानेंगे हम माना बाह्य विभाजन बिंदु p लिख देना माना बाह्य विभाजन बिंदु p x y x1 y1 x2 y2 मान लें माना बिंदु p x डैश कॉमा y डैश अलग मान लिया तो हमें इसमें ये आपके x डैश का फॉर्मूला हो गया अब m1 x2 m1 कितना है वही रहेगा 1 into ये रहेगा माइनस 3 अब की बार प्लस किसने माइनस होगा सूत्र में और m2 कितना है 3 into x1 कितना है x1 1 upon m1 minus m2 1 minus 3। एक्स डेस की वैल्यू आ जाएगी 1 और -3 = -3 और -3 और 1 का -3 - 2। एक्स डेस बराबर -3 - 3 - 6 - 2 माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स डेस की वैल्यू आ गई 3। और उसके बाद उसी प्रकार से y डेस का फॉर्मूला, y बड़ा हो जाएगा m1 y2 और माइनस m2 y1 upon m1 minus m2 आपके हो गया y का फॉर्मूला। तो आपके यहां से y डैश का मिल गई, m1 कितना है वही रहेगा 1 * 2 m1 * y2 माइनस हो जाएगा अपनी बार 3 - -3 / m1 - m2 1 - 1 - 3 तो y डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 और 9 का * 9 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 9 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 और 1 में से 3 निकालेंगे माइनस का 2 तो यहां से y डैश की वैल्यू आ जाएगी 9 और 9 = 18 / -2 तो y डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस का इसे -9 टाइम। अतः अभिष्ट बिंदु p क्या आया? अभिष्ट बाह्य बिंदु p क्या आया? बाह्य विभाजन करने पर अभिष्ट बिंदु क्या आया? आपके 3 - 2। अतः अभिष्ट बिंदु P 3 - 9 होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन पूछ लिए। पहले तो अंतः विभाजन सूत्र से वैल्यू निकाल ली थी और उसको सिद्ध क्या करना था? मूल बिंदु अर्थात हमें x और y की वैल्यू क्या निकाल ली थी? 0.0 आ गई। और उसके बाद बोल रहा है यही पे अंतः विभाजन नहीं होकर ये दोनों बिंदु के लिए और इस रेशियो के लिए यदि विभाजन बाह्य विभाजन हो तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे? उस कंडीशन में आ गई 3 - 9। तो कहने का मतलब इसमें अंतः विभाजन विषय भी पूछ लिए, x और y की वैल्यू निकालना और बाह्य विभाजन से भी x और y की वैल्यू निकालना पूछा है। उसी क्वेश्चन को दो टाइम दे दिया, बाह्य विभाजन भी दे दिया अंतः विभाजन भी दे दिया। तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद में देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4।